पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के बीच भारतीय एयरफोर्स ने पीओके में बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों की माने तो भारतीय एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशन में पीओके के बालाकोट, चकौती और मुजफ्फराबाद में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। पीओके में बमबारी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, भारतीय वायुसेना को सलाम। एयरफोर्स की कार्रवाई पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि वायुसेना के जाबाज रणबांकुरों को नमन। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कहा, मैं भारतीय वायुसेना के उन पायलटों की बहादुरी को सलाम करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करके हमें गौरवान्वित किया है। पाकिस्तान पर एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई पर बीजेपी सांसद और एक्टर परेश रावल ने ट्वीट कर कहा कि ये बेहद खूबसूरत सुबह है, शुक्रिया नरेंद्र मोदी सर और सेना को सलाम, भारतीय सेना के जवान देश के गर्व हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के रिएक्शन से लगता है कि कुछ बड़ा हुआ है, भारतीय वायुसेना पीओके और पाकिस्तान से आगे निकल गई है जबकि वे सऊदी और चीन से प्राप्त अलर्ट में ही व्यस्त थे। सिंघवी ने कहा कि बालाकोट जो कि एलओसी में काफी दूर है, ये हाफिज सईद का ठिकाना है, अगर भारतीय वायुसेना ने बिना नुकसान के प्रवेश किया तो यह बेहद सफल मिशन रहा। केंद्रीय मंत्री थवरचंद गहलोत ने ट्वीट कर कहा, आज सुबह भारत की सेना ने आतंकिस्तान की छाती पर वार करते हुए आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद कर पुलवामा का बदला लिया है। भारतीय सेना विशेषकर वायुसेना और नरेंद्र मोदी नेतृत्व को हार्दिक बधाई। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।